हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी इंडियन। हम लोग बहुत मज़े में और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। भगवान हम सबको मज़े से खुशहाल रखे। आज भी मौसम बहुत सुहाना है। आज का व्लॉग मैं इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक रेसिपी व्लॉग होने वाला है। आज बहुत सुहाना मौसम है, इतनी अच्छी सी देखिए बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश में मन करता है कि चाय और पकौड़े खाए जाए। लेकिन मैं आज चाय पकौड़े नहीं बनाने जा रही हूँ, बल्कि आज एक ऐसी इम्यूनिटी वाली रेसिपी लेकर आई हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी वीकनेस दूर होगी, आप में बहुत एनर्जी आएगी। और ऐसे बारिश के मौसम में जो होता है ना, बहुत जल्दी से हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो ये आप जो बनाने जा रहे हैं, ये आप बनाकर खाएंगे ना, तो आपको बीमारी दूर से ही भाग जाएगी, आपको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और बिल्कुल वीकनेस भी नहीं आएगी। और ये छोटे से लेकर बड़े, हमारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी तक खा सकते हैं। बहुत ही मैं एक ऐसी टेक्निक से बना रही हूँ ना कि जिनके मुंह में दांत नहीं है ना, उस तरह से भी वो लोग भी खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम अजवाइन। अजवाइन को करीब हम 3-4 घंटों के लिए भिगो देंगे और अच्छे से छानकर इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने अजवाइन को पीस लिया है, इस तरह से हमें ग्राइंड करना है इसे अच्छी तरह। ये अजवाइन ग्राइंड हो गई है। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर लेंगे। बादाम को बादाम एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर ड्राई फ्रूट है। इससे आपको, अगर आप इसको ऐसे भी भिगोकर खाते हैं तो भी बहुत एनर्जी मिलती है। अब हम काजू को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। मखाने भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करना या थोड़ा सा भूनना जो भी है, एक ही बात होती है। हल्का सा घी डाल के, ये मेरी नीस है जो अपनी क्वेरीज कर रही है, लावू मिश्रा। अब हम इसी में मखाने डाल देंगे। इसको हम लोग ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का सा। लागू को अच्छे लगते हैं ना मखाने, हाँ? थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। एक्चुअली मखाने फ्राई होने में ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी काजू बादाम तो। बस हो गया बेटा, बस अब इसको बस हम निकाल लेंगे। थोड़े क्रंची हो गए ना, क्रंची होने से अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। हमें इनको छोटा सा दरदरा दरदरा करके पीसना है। क्या खाना है? ले लो, एक ले लो, लेकिन गर्म होगा। अब इसमें हम लोग घी डालेंगे और हम लोग गोंद को भून लेंगे। जो घी है ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका गोंद जल भी जाएगा।
10 ग्राम लिया है। ये देखिए कैसी क्रंची आवाज आ रही है ना, ऐसा ही भूनना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद तिपाई बेलन से इसको थोड़ा सा क्रश करके जैसे चूरा टाइप का बना लेंगे। और जो हमने ये सब ड्राई फ्रूट्स तल के रखे हैं इनको भी हम लोग भून लेंगे, भून तो लिए ही हैं सॉरी, इनको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे और हम लोग इनको दरदरा ग्राइंड करेंगे। इस पे हम लोग थोड़ा सा भून डालेंगे। अब इसको बेलन से बस हमको ऐसे ऐसे क्रश करना है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये क्रश हो जाएगा। इसको हम थोड़ा ज़्यादा ही महीन कर देंगे क्योंकि अगर थोड़ा बड़े बड़े इसके आप पीस रख देंगे तो ये दांतों में चिपकेगा। ये क्रश हो गया है, आइए तब तक मसाले भून लेते हैं। ऑयल ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें जो मसाले हैं जो हमने अजवाइन पीसी है और सोट और हल्दी, हमें इस सबको अच्छे से फ्राई करना है। तब ऑयल गर्म हो रहा है, हमने ये नारियल को कद्दूकस कर लिया है और इसको भी हम उसी कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे। ये मैंने हल्दी को पानी में घोल लिया है ताकि, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर हल्दी डालेंगे तो हमारा ऑयल चूंकि गर्म है तो हल्दी हमारी जल जाएगी। साथ ही में जो हमने अजवाइन पीसी है हम उसको भी डाल देंगे। सोप पाउडर है इसको भी हमने घोल लिया पानी में और इसको भी हम डाल देंगे। अब सारे मसाले को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमको इनको बहुत अच्छे से भूनना है जब तक ये पूरा जो ऑयल होगा वो छोड़ ना दे। आप इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं या तो आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से ग्राइंड करके डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं जिनके दांतों में प्रॉब्लम होती है तो अगर आप उनको ड्राई फ्रूट्स को बड़ा बड़ा डालेंगे या कट करके डालेंगे तो वो लोग खा नहीं पाते, उनके दांतों में फंस जाता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह ग्राइंड कर दीजिए और फिर मिला लीजिए। और अगर आपको खुद खाना है और आपको वैसे ही अच्छा लगता है थोड़ा सा क्रंच हो, एक बाइट हो, तो आप जो ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा सा कट करके फ्राई कर लीजिए या तो फ्राई करने के बाद हल्का जैसे दरदरा ग्राइंड करते हैं वैसे ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दीजिए। आपकी पूरी आपकी लाइकिंग पे है, जैसे आपको पसंद हो। हमको इस मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनना है। हरीरा बनाना वैसे तो बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, इजी स्टेप्स हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ जो मसाला भूनना है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मसाले को हमको बहुत अच्छी तरह इसमें भूनना पड़ता है, उसका कच्चापन पूरा निकल जाए।
तो मेन बस ये मसाला भूनने में टाइम लगता है, बाकी तो बस मिक्स करना है हमें। इसको धीरे धीरे भूनना है जब तक कि जो हमारा ऑयल है सेपरेट ना हो जाए। इसको भूनते हुए करीब मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। इसे हम सिम पे भूनेंगे, ऑन फ्लेम नहीं करेंगे। और इसमें हम लोग मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल ना हमारी जो बोन को उसको भी स्ट्रेंथ देता है, और ये थोड़ा सा गर्म भी होता है। और देखिए मसाला कितना अच्छी तरह भुन गया है, इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था सब जल चुका है। अब इसमें हम लोग गुड़ ऐड कर देंगे, गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे, क्योंकि हमें अभी इसमें ना गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। तो ऑलरेडी हमारा मसाला बहुत हॉट है और कढ़ाई भी गर्म है, तो बहुत जल्दी से ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा। विद इन 3 से 4 मिनट्स ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमको गैस की जो आँच है वो मध्यम रखनी है। आप चाहें तो इसमें मुनक्का और छुहारे भी डाल सकते हैं, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी आपको पसंद हो, सब कुछ डाल सकते हैं। गुड़ मेल्ट हो रहा है, इसी में हम गोंद भी डाल देंगे। ये आप एक बार बनाकर ना करीब महीने भर इजीली रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। नारियल तो हमने फ्राई किया था, सूखा नारियल है ये। बस ये गुड़ इसमें मेल्ट हो जाए। जब तक गुड़ मेल्ट होता है, हम इसमें जो हमने मखाने किए थे, मखाने का मैंने पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो इसको हाफ टुकड़ों में करके भी डाल सकते हैं। ये काजू एंड बादाम का पाउडर है, चला देते। ये 30 से 40 मिनट में इजीली बन जाता है। और आप एक बार इसकी कढ़ाई भर कर इसे बना लीजिए और महीने भर आराम से खाइए, ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और जब चाहे इसे माइक्रोवेव करके, जितना क्वांटिटी में खाना हो उतना माइक्रोवेव कर लीजिए और बस आराम से उसका लुत्फ़ उठाइए। इंस्टेंट एनर्जी देता है बहुत, आपको अंदर से ना स्ट्रॉन्ग बना देगा। जो आपके घर के सीनियर सिटीजन हैं उनको ठंड ज़्यादा ही लगती है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है और साथ में उनको एनर्जी भी प्रदान करता है। तो बस हमारा हरीरा रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ लाइक करना भी मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। हम जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।